तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग यहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, अपना यहां अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जैसे जैसे मैंने बताया है स्टेप बाई स्टेप कीजिएगा, आपका अकाउंट यहाँ ओपन हो जाएगा जीरो बैलेंस पर। साथ ही आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड फ्री मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ कैशबैक भी है जो आपको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पेटीएम को इंस्टॉल कर लेंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर से भी सर्च करके कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सर्च कर लिया, अब मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये हमारा ऐप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा देर हम लोग यहाँ वेट कर लेंगे, ऐप इंस्टॉल होने देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो अब आप लोग यहां देख सकते हो ऐप हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, ये डाउनलोड हो चुका है। तो आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और एक रुपये का आप लोग मिनिमम ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 100 का कैशबैक भी मिलने वाला है। तो आप लोग वहां से जरूर से कर लेना। अब हम यहां से ऐप को ओपन कर ले रहे हैं, तो यहां से ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ओपन होगा देख सकते हो, कुछ इस तरीके से लोडिंग लगा, तो थोड़ा सा वेट करना। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर डालना होगा वो आप यहाँ से डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया और प्रोसीड सिक्योरली वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ से अलाउ करने बोलेगा, तो जितना भी यहाँ अलाउ करने बोलता है सभी को आप लोगों को अलाउ कर देना है, सारा परमिशन यहाँ ग्रांट कर देना है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो नंबर वेरीफाई होगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और नंबर हमारा सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई हो जाएगा तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। अब यहाँ नोटिफिकेशन को हम यहाँ हाइड करते हैं पहले, और आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप लोग बैंक भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसको बैक कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बैंक ऐड नहीं करना है। आई विल डू लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आप लोग यहाँ देख सकते हो अपने प्रोफाइल पे आते हो तो आपको यहाँ आपका नंबर देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ बैंक लिंक कर देते हो तो आपको QR भी देखने को मिल जाएगा। तो अब आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, डिजी लॉकर, कैशबैक देख सकते हो, अपना प्रोफाइल देख सकते हो और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, पॉलिसी है, सारा कुछ आप यहाँ स्लाइड करके नीचे देख सकते हो। तो अभी हम यहां से बैक कर लेते हैं, बैक करेंगे और यहां से सर्च कर लेंगे जैसा कि हमें अकाउंट ओपन करना है। तो आप लोग नीचे से भी देख सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो। तो सिंपली से मैं यहां से सर्च कर रहा हूं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो मैं यहां पेमेंट बैंक सिर्फ लिखूंगा और आप लोग देख पाओगे यहाँ सेकेंड नंबर पर हमारा बैंक आ चुका है, ये देख सकते हो। तो अब हम इस पर सीधा सा टैप करेंगे, तो आप लोग भी इस पर टैप कर लेना। टैप करोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो ओपन योर सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और यहाँ से आपको एक पासकोड सेट करने बोलेगा। तो 4 डिजिट का आप कोई सा भी पासकोड चूज कर लेना, यहाँ पे देख सकते हो एक बार आप पासकोड सेट कर लोगे और यही पासकोड आपको फिर से अगर करते हो, फिर से यहाँ कुछ करना चाहते हो तो ये वाला पासकोड आपको सेट करना होगा, आप लोगों को ये वाला पासकोड डालना होगा। अब यहाँ देख सकते हो ऐड ए नॉमिनी ने नॉमिनी नेम आ रहा है, तो यहाँ पे अभी हम आई विल डू लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ नॉमिनी का नाम डाल सकते हो और दोनों ऑप्शन पे टिक कर देना और यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नया पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड, इतना ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी आप लोग आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे आओगे और आप लोगों को यहाँ पे जो भी आधार कार्ड का आपका नंबर है वो आप लोगों को डाल देना और जिस नाम से आपको यहाँ बनाना है वो भी डाल देना, और आपको दोनों नाम देखना सेम रहना चाहिए जो आधार कार्ड पे है। तो सबसे पहले आधार नंबर डालोगे और यहाँ पे नाम डालोगे और यहाँ आई विल एग्री वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे हो आपको उस पर टिक कर देना होगा और यहाँ से एक्टिव माई वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करते हो ना आप लोगों को कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो पासकोड है हमारा सेट हो चुका है, नॉमिनी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है बट यहाँ KYC पेंडिंग में जा रहा है। तो गाइज यहाँ आप लोगों को पता होगा कि RBI ने यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ अभी KYC नहीं हो पा रहा है और उसी की वजह से यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ना तो KYC हो रहा है ना ही कुछ यहाँ पे हो पा रहा है। तो जैसे यहाँ बैन हटा देता है RBI, तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आप लोग KYC भी कर पाओगे और सारा ट्रांजेक्शन भी कर पाओगे। बट अगर आप लोग यहाँ बैंक से ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो ना तो आप लोग इजिली कर सकते हो, बस आप लोग को यहाँ बैंक अकाउंट ऐड कर देना है और उससे आप लोग सारा ट्रांजेक्शन UPI के थ्रू कर सकते हो। तो इस तरीके से अभी आप लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूज कर सकते हो। अभी आप लोगों को यहाँ पे नया अकाउंट ओपन नहीं होगा, नया ATM नहीं मिलने वाला। तो चलो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।